सो बच्चों, कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से हमारा वीडियो बीच में बंद हो गया, राइट? हम क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट कर रहे थे, जो था सॉल्व ना कि प्रूव। तो हमें सॉल्व करना था यहाँ पर 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x के। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह बच्चों sin स्क्वायर x। और अब आगे सॉल्व करते हैं एक बार जितना लिखा है उससे, ठीक है? तो या तो sin x 0 होगा या फिर cos x माइनस sin x 0 होगा, ठीक है? cos x माइनस sin x 0 मतलब tan x 1, तो x आ गया बच्चों पाई बाय 4 और यहां से बच्चों x आ गया 0, ठीक है? तो दो आंसर पॉसिबल हैं। आप दोनों आंसर को इक्वेशन में पुट करके देखेंगे LHS RHS में कि सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों आंसर्स या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, राइट? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे बच्चों क्वेश्चन को। राइट, नाउ बी पार्ट भी वही है हमारा, सॉल्व। सॉल्व मतलब ये इक्वल तो है ही, एक्स की क्या वैल्यू हो कि जिससे कि ये इक्वल आ जाए हाफ टैन इनवर्स एक्स। तो इक्वल है तो फिर हम टू इधर उधर ले जा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो टू टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स बच्चों टैन इनवर्स एक्स के बराबर है, ठीक है? यहां पर बेटा अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला, टू टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टैन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो क्या आएगा बच्चों हमारा, ये आएगा टैन इनवर्स 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू टैन इनवर्स डेफिनेटली x, ठीक है? टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स बच्चों आएगा 2 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और एलसीएम लेने पे न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों x, ठीक है? तो ये आ गया हमारा सॉल्व करके 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा हमारा बेसिकली 4ab यानी 4x, और ये x के बराबर आ गया। तो 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों हमारा 4x स्क्वायर के बराबर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों हमारा 2x स्क्वायर के बराबर आ गया, और हमारा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 1 के बराबर आ गया बच्चों, x आ गया प्लस माइनस सर्टेनली 1 बाय रूट 3, ठीक है बच्चों? एक बार आप चेक कर लेंगे वैल्यूज पुट करके कि क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, राइट? तो स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है बच्चों जल्दी से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है, वन मार्कर है, साइन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, टैन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेते हैं, तो एक्स आ जाता है आपका टैन थीटा, ठीक है? और ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये आ गया बच्चों हाइपोटेन्यूज। यहाँ से साइन थीटा आएगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है? और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें बेसिकली साइन थीटा की ही वैल्यू निकालनी थी। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? काफ़ी आसान सॉल्यूशन था बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे। तो ये हमारे 13 क्वेश्चंस हो गए, ये सब गायब कर देते हैं अब हम बोर्ड से क्वेश्चंस को, राइट? चलिए चलो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का सवाल है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों क्या करना होता है इसमें, हमें हम एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं। यहां पर कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a के। तो 2a बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के। अगर हम साइन a को x लेते हैं तो a आएगा साइन इनवर्स x, तो ये आ गया
2 times sine inverse x equals to cos inverse 1 minus 2x square, ठीक है, करेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, इस 2 sin inverse x की जगह जो मैंने डिराइव किया फॉर्मूला वो लिखना है, ठीक है। तो ये आया sin inverse 1 minus x बच्चों माइनस cos inverse 1 minus 2x square, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं sin inverse 1 minus x equals to pi by 2 plus cos inverse 1 minus 2x square, sin on both sides, तो ये 1 minus x आया और ये आया sin of 90 plus theta, ठीक है। और बच्चों sin 90 plus theta होता है cos theta, यानी cos theta, theta है cos inverse 1 minus 2x square, cos inverse से cos गायब बच्चों, तो ये आया 1 minus 2x square, ठीक है। तो ये आया हमारी equation 2x square minus x equal to 0, x common बच्चों, 2x minus 1 equal to 0, x आया 0 और x आया बच्चों half, ठीक है। अब अगर हम चेक करें तो x equal to 0 पुट करने पे sin inverse 1 equal to pi by 2 करेक्ट है, लेकिन half पुट करने पे ये equation satisfy नहीं हो रही, तो x is not basically half, तो x क्या है फिर, x equal to 0 ही हमारा बच्चों आंसर है, ठीक है, क्योंकि x equal to half satisfy नहीं कर रहा equation को, ओके, जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है miscellaneous का, चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं हम एनसीईआरटी का एक बार। चलिए तो ये क्वेश्चन है हमारा, आपको समझ तो आ ही गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y। तो बच्चों यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं बेसिकली कुछ ऐसा, देखते हैं कैसा, tan इनवर्स x अपॉन y राइट माइनस टैन इनवर्स 1 माइनस वाई बाय एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स राइट। हमने क्या करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से बेसिकली बच्चों डिवाइड किया, ठीक है राइट या फिर आप रादर ये भी कर सकते थे, चलिए ठीक है 1 माइनस वाई बाय एक्स ही कर लेते हैं, 1 माइनस वाई बाय एक्स 1 प्लस वाई बाय एक्स, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम ये करने वाले हैं यहाँ पर टैन इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स डेफिनेटली y बच्चों, ठीक है ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं tan इनवर्स x बाय वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं अब tan इनवर्स, इसको लिखने वाले हैं tan इनवर्स 1 माइनस बच्चों टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, ऑल दो कुछ खास फर्क नहीं आया बच्चों इससे, टेन इनवर्स एक्स बाय वाई और ये आ गया हमारा प्लस टेन इनवर्स वन, सॉरी माइनस टेन इनवर्स वन, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस प्लस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। चलो अब बच्चों क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर हम ये लिखने वाले हैं कि भाई tan इनवर्स x एक्चुअली में, tan इनवर्स x एक्चुअली में cot इनवर्स 1 बाय x के भी तो बराबर होता है, cot इनवर्स 1 बाय x के भी बराबर होता है। तो हमने क्या करा, इसको लिखा tan इनवर्स x बाय y है ना, और ये वाले tan इनवर्स y बाय x को लिखा बच्चों हमने cot इनवर्स x बाय y, ठीक है, और ये हो गया हमारा माइनस पाई बाय 4। तो बच्चों tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 हमारा आंसर आ गया बच्चों यहाँ पर इजीली पाई बाय 4, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हम अब हम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैंने आपसे बहुत बोला व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और वीडियो में भी कि आप लोग एक बार एनसीईआरटी सॉल्व करिए और आपके जो डाउट्स आते हैं वो भेजिए। तो आई होप सिर्फ 2-3 बच्चों ने मुझे भेजे, बाकी उन्होंने मुझे डाउट्स नहीं भेजे,
इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप प्लीज़ बच्चों प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको बस अभी फ़िलहाल के लिए एक दो वन मार्कर क्वेश्चंस और बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर आगे की बातें आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तकनीक, शॉर्टकट ट्रिक्स, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जेईई मेंस लेवल पे आ सकते हैं, सीरीज प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो करेंगे। ठीक है, तो एक दो सिंपल सवाल देखेंगे वन मार्कर हमारे। तो क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3π/2, देन एक्स रेज टू द पावर 2001 वाई रेज टू द पावर 2002 प्लस जेड रेज टू द पावर 2003 इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक, कॉस इनवर्स एक्स प्लस बच्चों कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू बच्चों 3π। ठीक है, देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू वॉट। तो देखो बच्चों, ये बड़ा ही बिलो पॉवर्टी लाइन क्वेश्चन होता है। और क्या है इसमें, आप एक बात जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ही हो सकती है, यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, राइट। तो अब साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों पाई बाय टू हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू। अब इन्होंने 3 साइन इनवर्स का सम 3π/2 दिया है, तो वैसा तो हो नहीं सकता कि एक वैल्यू पाई बाय टू से बड़ी हो और दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो जाए, है ना। तो बेसिकली पाई बाय टू इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो 3π/2 तो तभी आएगा जब तीनों ही इंडिविजुअली पाई बाय टू के बराबर हों। तीनों ही किसके बराबर हो, इंडिविजुअली पाई बाय टू के बराबर हों। तो इसका मतलब ये आंसर तभी आ सकता है 3π/2 जब साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स वाई और बच्चों साइन इनवर्स जेड तीनों ही इंडिविजुअली पाई बाय टू के बराबर हो, यानी एक्स वाई और जेड तीनों ही वन हो। तो वन की कुछ भी पावर वन ही होती है, वन की कुछ भी पावर वन होती है, वन की कुछ भी पावर वन होती है। तो बच्चों आंसर आ गया हमारा बहुत ही आसान तरीके से 3। ठीक है, राइट। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर बात आ गई, कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से π। अब तीनों का सम 3π तो तभी हो सकता है जब तीनों ही इंडिविजुअली पाए 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 हों, तभी ये टोटल मिला के 3π होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड तीनों ही पाए के बराबर हैं, यानी एक्स वाई और जेड तीनों ही -1 के बराबर हैं। तो अगर आप सॉल्व करेंगे एक्स वाई -1 × -1 प्लस बच्चों -1 × -1 प्लस बच्चों -1 × -1, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 3 के बराबर। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस का बच्चों आंसर था 3। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, और अगले लेक्चर को मैं कोशिश करके जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। उसमें 7-8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीरीज प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हमें एक एनट टर्म बनानी होती है, और जैसे कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में किया था कि व्हेन वी ऐड दी टर्म सक्सेसिवली, 4th एक्सरसाइज में जब हमने सीक्वेंस सीरीज के किया था तो अल्टरनेटली चीज़ें कैंसिल होती जाती थी, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचती थी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, राइट बच्चों।